वेलकम बैक क्लास 6। मैथ्स हम पढ़ रहे थे, हमने चैप्टर की हमने देखा था अभी लेंथ, मास और कैपेसिटी पर बेस्ड प्रॉब्लम्स। हमने देखा मीटर, सेंटीमीटर्स, किलोमीटर्स और लीटर, मिलीलीटर, ये सारी चीजें देखी थी हमने, इनका कन्वर्जन देखा था। अब देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं एग्जाम्पल का। टू स्टिच अ शर्ट टू मीटर एंड 15 सेंटीमीटर ऑफ क्लोथ इज नीडेड। एक शर्ट को सिलने के लिए हमें कितना मीटर क्लोथ चाहिए? 2 मीटर एंड 15 सेंटीमीटर क्लोथ चाहिए, ठीक है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। आउट ऑफ 40 मीटर क्लोथ हाउ मेनी शर्ट्स कैन बी स्टिच्ड? How much cloth will be left? अब पहले क्वेश्चन समझना अच्छे से। एक शर्ट को सिलने के लिए हमें 2 मीटर 15 सेंटीमीटर का कपड़ा चाहिए होता है, ठीक है, कोई भी शर्ट है उसको सिलने के लिए हमें टोटल कपड़ा कितना चाहिए? 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। अब हमारे पास टोटल क्लोथ कितना है? 40 मीटर, 40 मीटर हमारे पास क्लोथ है जिसमें से हमें शर्ट बनानी है, और हर शर्ट को बनाने के लिए कितना कपड़ा लग रहा है? 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़ा लग रहा है। तो अब इस दिए हुए कपड़े में से हमें कितनी शर्ट्स हम बना पाएंगे? जो कपड़ा हमें दिया हुआ है 40 मीटर का, उसमें से हम कितनी शर्ट्स बना पाएंगे ये हमें बताना है, और फिर लास्ट में अगर कुछ कपड़ा बच भी जाएगा तो वो कितना कपड़ा बचेगा ये भी हमें बताना है, ठीक है। अब देखिए पहले हम यूनिट सेम करेंगे, ये मीटर में, ये मीटर और सेंटीमीटर में, ठीक है। तो छोटी यूनिट जो होती है हम उसमें हमेशा कन्वर्ट करते हैं। 2 मीटर 15 सेंटीमीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो ये 2 मीटर कितना हो गया? 200 सेंटीमीटर, दोनों जगह 2 को मल्टीप्लाई किया, 2 मीटर इक्वल टू 200 सेंटीमीटर। अब 2 मीटर की तो हमने निकाल ली वैल्यू कि 2 मीटर 200 सेंटीमीटर होता है, ये भी तो बच रहा है तो हम इसको प्लस कर देंगे, 200 प्लस 15, 215 सेंटीमीटर। एक शर्ट को बनाने के लिए कितना सेंटीमीटर कपड़ा लग रहा है? 215। अब हम क्या करेंगे, इस मीटर को भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। 40 मीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, एक सेकेंड, ओके राइट, 40 है, ठीक है। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, अभी देखा हमने। 40 मीटर कितना होगा? दोनों जगह 40 को मल्टीप्लाई करेंगे, यहां 40 मीटर इज इक्वल टू 4000 सेंटीमीटर, 4000 सेंटीमीटर। अब हमारे पास कपड़ा कितना है? 4000 सेंटीमीटर। एक शर्ट को बनाने में यूज कितना हो रहा है? 215 सेंटीमीटर। तो कितनी शर्ट बना सकते हैं हम? इसके लिए हम क्या करेंगे, 4000 को डिवाइड कर देंगे 215 में, 4000 डिवाइडेड बाय 215, ठीक है। तो वन टाइम 215, ठीक है। अब देखिए जब हम इसको डिवाइड करेंगे ठीक है, ये हमारे पास रिमाइंडर बच रहा है, अभी वापस से डिवाइड चला जाएगा, यहां जीरो निकाला, 1 7
कितना आ रहा है 1720। ठीक है, 18 टाइम्स मतलब 18 शर्ट्स बन सकती हैं। और बचा हुआ कितना, ये क्या है, रिमाइंडर, रिमाइंडर। जो बचा हुआ कपड़ा है वो ये है, कितनी शर्ट्स बन सकती हैं, यहां है। ठीक है, समझ में आया। पहले हम यूनिट सेम करेंगे, ये सबसे छोटी यूनिट जो होगी उसमें कन्वर्ट कर लेंगे। यहां सेंटीमीटर है सबसे छोटी यूनिट, तो हम मीटर को हमेशा सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 2 मीटर इज इक्वल टू 200 सेंटीमीटर, और ये 15 प्लस कर दिया क्योंकि 15 सेंटीमीटर और भी था ना हमारे पास, तो 215 सेंटीमीटर हो गया हमारा टोटल कपड़ा जो एक शर्ट की लागत में लगता है। अब 40 मीटर हमारे पास टोटल कपड़ा है, वो कितना हो गया 4000 सेंटीमीटर, तो हम इसको इससे डिवाइड कर देंगे और जितना आंसर आएगा वो हमारी हो जाएंगी नंबर ऑफ शर्ट्स, और जो रिमाइंडर होगा वो क्या हो जाएगा हमारा बचा हुआ क्लोथ। ठीक है, इस क्वेश्चन को अच्छे से आराम से देखना समझना, थोड़ा मुश्किल हो सकता है ये आपके लिए शायद, अगर आपने कभी भी इससे पहले यूनिट्स कन्वर्जन नहीं पढ़े हैं तो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अ स्टूडेंट मल्टीप्लाइड फोर टू थ्री सिक्स बाय 65 इंस्टेड ऑफ 56। हाउ मच द आंसर वेरी फ्रॉम, ये हमारा क्वेश्चन है। देखिए, एक स्टूडेंट है, उसने 4236 को 65 से मल्टीप्लाई कर दिया, जबकि उसको मल्टीप्लाई किससे करना था 56 से, उसने गलती से 65 से उसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब आंसर कितना डिफरेंट है, जो आना चाहिए उससे कितना डिफरेंस है। डिफरेंस मतलब, समझ में आ रहा है, डिफरेंस मतलब माइनस करके आंसर निकालेंगे अपन। आप देखिए, 4236 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 65 से, माइनस ये तो उसने गलती से कर दिया, और अब जो उसको सही में करना था 4236 इंटू 56। अब देखिए, अब हम इसमें कैसे सॉल्व करेंगे इसको, या तो पूरा पूरा सॉल्व किया जाए, लेकिन इसमें बहुत टाइम लग जाएगा आपको मल्टीप्लीकेशन करने में, तो हम क्या करेंगे 4236 इसको तो हम बाहर निकाल लेंगे, मतलब मल्टीप्लीकेशन का साइन लगा लीजिए यहां पर आप, इंटू 65 माइनस 56, ये 4236 दोनों में से बाहर निकाल लिया और इसको ब्रैकेट में रख दिया, दिस माइनस दिस। आप देखिए 65 माइनस 56 कितना आया, 9 का डिफरेंस है इसमें। ठीक है, और हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4236 से, 4236 से मल्टीप्लाई करने पर आंसर आ जाएगा हमारा 38124, दिस इज द आंसर। दोनों में कितना अंतर आ रहा है, इतना। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन गलती से कर देने के बाद जो रियल आंसर होना चाहिए था और जो उनका उस स्टूडेंट का आंसर आया उसमें कितना डिफरेंस है, 38124 का डिफरेंस है। इस तरह से ये सॉल्व होगा। ठीक है, नाउ एक्सरसाइज शुरू करते हैं हम।
कन्वर्ट द फॉलोइंग. क्वेश्चन नंबर ए, 15 मीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है. यहां पर दे रखा है यूनिट, किस में कन्वर्ट करना है. सो 1 मीटर इज इक्वल्स टू 1000 मिलीमीटर. 1 मीटर इज इक्वल्स टू 1000 मिलीमीटर होता है. तो 15 मीटर कितना हो जाएगा, 15000 मिलीमीटर. ये कन्वर्ट हो गया आंसर. दोनों में 15 को मल्टीप्लाई किया, यहां पर भी 15 को मल्टीप्लाई किया और यहां पर भी 15 को मल्टीप्लाई किया, तो हमारा आंसर आ जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट. 15 सेंटीमीटर इंटू मीटर. ठीक है, देखिए 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1/100 मीटर. 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होता था, और 1 सेंटीमीटर क्या होगा, 1/100 मीटर. ठीक है, ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी. यहां से जब इसको इधर लेके जाएंगे तो ये डिवाइड में जाएगा, यहां से यहां लेके जाएंगे तो मल्टीप्लीकेशन में. हमेशा इज इक्वल्स टू के इधर या इधर वैल्यू चेंज करने पर ये ऐसे चेंज हो जाती है. अब देखिए 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1/100 मीटर, ये हमारा फॉर्मूला है. अब इसमें 15 मल्टीप्लाई किया, इसमें भी 15 मल्टीप्लाई किया. 15 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 15/100 मीटर. अब कितना हो गया, ये 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.15 मीटर. आपको पता है ना जीरो से कैसे डिवाइड करते हैं, जितने जीरो होते हैं ना, 100 से कैसे डिवाइड करते हैं, जितने जीरो होते हैं पीछे से काउंट करते हैं उतने डिजिट बाद पॉइंट लगाते हैं. जैसे इसमें 2 जीरो हैं तो 1, 2 फिर पॉइंट लगा दिया और ये हमारा हो गया आंसर. क्लियर, ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं. सी 5 मीटर को हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है. ठीक है, 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, तो 5 मीटर इज इक्वल्स टू 500 सेंटीमीटर आंसर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डी. 25 मिलीमीटर को हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है. अब देखिए 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर. ठीक है, तो 1 मिलीमीटर कितना हो गया, 1/10 सेंटीमीटर. और 25 मिलीमीटर 25/10 सेंटीमीटर, तो क्या हो गया, ये 5/2 और 2.5 सेंटीमीटर. ठीक है, आ गया समझ में. जीरो कैसे, 10 से कैसे डिवाइड करेंगे, जितने जीरोज हैं उतने डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे, पीछे से काउंट करेंगे हमेशा 5, 1 और फिर ये पॉइंट लगा दिया. ठीक है, ये करने की जरूरत ही नहीं अगर आप ऐसे पॉइंट लगाते हैं डायरेक्ट तो. ठीक है, ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ई. 1.5 किलोमीटर को मीटर में शिफ्ट करना है. ठीक है, किलोमीटर्स को मीटर में. 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर. 1 किलोमीटर कितना होता है, 1000 मीटर होता है.
तो 1.5 किलोमीटर कितना होगा, 1500 मीटर। ठीक है, क्या किया हमने इसको, इधर 1.5 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 1500 मीटर्स इज द आंसर। ओके, एफ देखिए 3.25 किलोग्राम्स को ग्राम में कन्वर्ट करना है। ठीक है, 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम, ये हमें पता है। इसमें 3.25 मल्टीप्लाई किया और इसमें 3.25 मल्टीप्लाई किया, दोनों जगह 3.25 मल्टीप्लाई किया, 3.25 किलोग्राम इज इक्वल्स टू 3250 ग्राम, 3250 ग्राम, ये हो गया हमारा आंसर। देखिए जब 3.25 है ना, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहां से पॉइंट हटाइए और कितने डिजिट है, दो, तो दो जीरो। ठीक है, अब जब यहां पर पॉइंट हटा और दो जीरो आ गए तो 1020 कैंसिल हो गई, तो क्या बना, 3.25 × 10, 3250। क्लियर आ रहा है समझ में, कैसे सॉल्व किया एक बार वापस से बता देती हूं आपको। 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम, ठीक है, ये हमें पता है। अब हमें क्या करना है, 3.25 किलोग्राम निकालना है, तो 3.25 किलोग्राम को निकालने के लिए हमको इसको 3.25 से मल्टीप्लाई करना होगा, 1000 × 3.25, और यूनिट हमेशा चलती रहेगी, ग्राम यूनिट हमेशा चलती रहेगी, पॉइंट हटाएंगे हम। ठीक है, और जितने डिजिट होता है पॉइंट के बाद उतनी वैल्यू लगा देंगे। ऐसा ही हमने किया था जब हमें 100 से डिवाइड करना था तब भी, अब जब पॉइंट हटाना है तब भी, ये 1020 से 1020 कैंसिल, क्या होएगा, ये पॉइंट हटी गया, 325 रह रहा है यहां पर बस, अब 3250 ग्राम, ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, आई होप इट इज अंडरस्टैंडेबल। ओके, नाउ लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं बहुत धीरे धीरे समझा रही हूँ ये क्वेश्चंस ताकि आपको आराम से समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर जी 3750 ग्राम को कन्वर्ट करना है किलोग्राम में। ठीक है, ये ग्राम में दे रखा है, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। 1 ग्राम इज इक्वल्स टू 1/1000 किलोग्राम, भाई 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम था ना, तो 1 ग्राम इज इक्वल्स टू 1/1000 किलोग्राम हो जाएगा। देखिए 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम। ठीक है, अब जब इसको 1 करना है तो हम इसको यहां ले जाएंगे, 1/1000 kg इज इक्वल्स टू 1 ग्राम, ये वाला 1000 हम इसके नीचे ले गए। ठीक है, जब भी यहां से ऐसे शिफ्टिंग होगी तो डिवाइड में जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में होगा तो डिवाइड में जाएगा, और डिवाइड में होगा तो अब यहां से इसको यहां भेजेंगे तो ये कहां जाएगा, ऊपर मल्टीप्लीकेशन में। ठीक है, ये कौन सा होता है, डिवाइड। ठीक है, तो 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 किलोग्राम, 3750 ग्राम इज इक्वल टू, इसमें क्या किया, 3750 से मल्टीप्लाई किया है दोनों साइड। ठीक है, तो 3750 ग्राम इज इक्वल टू, यहां से जीरो हटाएंगे तो
30 के हैं तो 3 डिजिट के बाद 3.750 किलोग्राम, ये हमारा बन गया आंसर। 30 हटाई, 3 डिजिट के बाद पॉइंट रख दिया, पीछे से काउंट करेंगे हमेशा। क्लियर? ओके। H 1256 ml को लीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। 1000 ml इज इक्वल टू 1 लीटर, है ना, तो 1 ml इज इक्वल टू 1/1000 liter, ठीक है। 1256 ml इज इक्वल टू 1256/1000 liter, वापस से वही डिवाइड करेंगे 1.256 लीटर, आंसर क्या हो गया 1.2000 को 1 2 3 यहां प्लेस कर देंगे 3 डिजिट के बाद, ठीक है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आई, टू फोर फाइव सिक्स लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, 2456 लीटर इज इक्वल टू 2456000 मिलीलीटर, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। थ्री टू फाइव सिक्स मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, 1 मीटर इज इक्वल्स टू 1/1000 किलोमीटर, ठीक है। 3256 मीटर इज इक्वल्स टू 3256/1000 किलोमीटर्स, दोनों जगह 3256 से मल्टीप्लाई किया, इधर भी 3256 से मल्टीप्लाई किया, इधर भी 3256 से मल्टीप्लाई किया, तो ऐसे बना, तो 3256 मीटर इज इक्वल्स टू 3.256 किलोमीटर, ठीक है, ये आंसर हो गया आपका। नेक्स्ट के एग्जाम्पल के देखेंगे, 3 आवर्स को मिनट में कन्वर्ट करना है। अब देखिए 1 मिनट इज इक्वल टू, ओ सॉरी, 1 आवर इज इक्वल टू, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट्स, 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स। अब देखिए जब हम 1 घंटे को 60 मिनट्स में दे रहे हैं और इसमें दोनों में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 3 आवर्स निकालना ना अपन को, तो 3 आवर्स इज इक्वल टू 16 × 3 मिनट्स, तो 180 मिनट्स। 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट, तो 3 घंटे में कितने होंगे, 180 मिनट्स। ₹2.50 को हमें कन्वर्ट करना है रुपीज में, ठीक है। 100 पैसे इज इक्वल टू 1 रुपी, 100 पैसे मिलकर क्या बनाते हैं, 1 रुपी बनाते हैं, तो 250 पैसा, अगर 250 पैसा कितना होगा, 250 पैसा निकालना है अपन को, तो क्या होगा 2.5 रुपीज, ठीक है। दोनों में 25 को
हमने इसमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। देखिए 100 पैसा को 250 बनाने के लिए क्या लगा, 2.5 से मल्टीप्लाई किया, 2.5 इंटू 100 इज इक्वल्स टू 250 पैसा, ठीक है। तो इधर भी क्या हो गया, ये 2.5 रुपीस होते हैं, 250 पैसा कितने होते हैं, 2.5 रुपीस, 2 रुपए 50 पैसे, ठीक है। पॉइंट्स लगाने के लिए आपको हमेशा याद रखना है, जितने नीचे जीरोज हैं उतनी डिजिट के बाद हम पॉइंट लगा देंगे। अब जैसे देखिए, तो यहाँ पॉइंट कब लगेगा, 1 2, दो डिजिट दो जीरोज हैं तो 1 2 1.01 ऐसे बनेगा आंसर, ठीक है। जीरोस को प्लेस करना, पॉइंट लगाना, ये चीजें आपको आनी चाहिए। जिसको नहीं आती है, मुझे लगता है ज्यादातर बच्चों को आती होंगी, जिसको नहीं आती है लर्न इट। और सबसे बड़ी चीज, 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम, ये सब आपको याद करना है। मैं इनकी एक लिस्ट आपको PDF कर दूंगी, वो आप सब याद करेंगे, ठीक है, जिससे आपका ये कैलकुलेशन अच्छा हो जाए, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आगे की एक्सरसाइज हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। थैंक यू।